तो अब तक तो हमने देखा कि सैमसंग और वीवो जैसे कंपनीज कोई फोल्डेबल फोन ला रहा है तो कोई दो डिस्प्ले वाली फोन ला रहा है। अब यहाँ पे सोनी भी इस कंपटीशन में आ गई और सोनी ने कुछ ऐसे पैटर्न्स फाइल किए हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो कुछ फोल्डिंग फोन बना रहे हैं जिसके डिस्प्लेस ट्रांसपेरेंट होंगे। अब सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा भयंकर लगता है, लगता है क्या इनोवेटिव सी चीज आ रही है यार कि ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आएगी। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी फोन के बारे में, तो आप इसी वीडियो को आगे देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होंगे इसमें कुछ फीचर्स और कैसे बनेगी ये फोन। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ सोनी ने इस पैटर्न को जैसे ही फाइल किया पूरे इंटरनेट पे ये हल्ला समझ गया है कि सोनी शायद अब वापस आएगा। हालांकि एक जमाना होता जब सोनी और HTC जैसे कंपनीज बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होते थे और उनके जो फोन होते थे वो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में होते थे। तो अभी तो फिलहाल कुछ सालों से सोनी गायब था, ऐसा हो गया था कि उसके फोन्स कम्पीट नहीं कर पा रहे थे अभी के करंट मार्केट में। तो यहाँ पे सोनी ने एक ऐसा पैटेंट फाइल किया है जिसमें ये पता चल रहा है कि वो कुछ फोल्डिंग फोन बना रहे हैं जिसमें जो डिस्प्लेज होंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये जो डिस्प्लेज है यहाँ पे जो पिक्सल्स है वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, जो कि इस चीज को और भी ज्यादा कमाल बनाती है। तो दोस्तों ये जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग पिक्सल डिस्प्ले है ये कुछ ऐसी है कि यहाँ पे इन्हें मैट्रिक्स अरेंजमेंट में दो डायमेंशनल के तरीके से सेट किया गया है। और देख के यहाँ पे ये पता चल रही है कि जहाँ पे एक डिस्प्ले है जो कि बाहर से आती हुई रोशनी या अंदर से आती हुई रोशनी को अपने अंदर जमा करके पिक्सल्स क्रिएट करता है, वहीं दूसरी जो डिस्प्ले है वो इसे कंट्रोल करती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन है वो आगे पीछे सेट की गई है, तो ये एक तरीके से जैसा आपने वीवो ने देखा होगा कि वीवो में एक आगे और एक पीछे थी, ठीक वैसे ही यहाँ पे ये ट्विन डिस्प्ले होके और ये जब फोल्डेबल कहलाती हैं तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देती है जहाँ पे ये चार डिस्प्लेस के बराबर हो जाती हैं। आई एम श्योर आपको सुनने में लग रहा होगा ये कैसे अजीब बातें हैं, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा है और मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कि यहाँ पे क्या कैसे काम कर सकता है। अभी तक चूंकि यहाँ पे पैटेंट ही फाइल हुआ है, कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ, इसीलिए ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ये भी हिंट आ रही है कि जैसा पैटेंट उन्होंने फाइल किया है वहां पे कैमरा को कुछ ऐसे तरीके से सेट किया गया है कि ये इन टोटल 6 डिस्प्लेस पे वर्क कर सकती है ये फोन। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सब बाहर आ रहा है कि ये क्या होने वाली है, लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा डेटा मिल भी नहीं सकता है बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कोई भी इसे लीक करके पहले ना बना दे। अभी फिलहाल तो ये पता है कि ये पैटर्न्स सोनी ने जापान और अमेरिका में फाइल कर दिए हैं और यहाँ पे इन टोटल 6 डिस्प्लेस की वर्किंग को भी इंक्लूड किया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कमाल के सेंसर्स भी इंक्लूड किए गए हैं जिसकी मदद से फोन ये पता लगा पाएगी कि फोन अभी किस तरफ पे फ्लिप की हुई है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये काम कैसे कर सकती है, तो मेरा जहाँ तक सोचना है, जैसा आपने देखा होगा कुछ एगमेंटेड रियालिटी हेडसेट्स अभी लॉन्च हुए थे साल के शुरुआत में, तो ये जैसे AR हेडसेट्स होते हैं या फिर ये जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे काम करने वाले हेडसेट्स होते हैं इनमें आपने देखा होगा कि जो लेंस होती है आगे उसे भी डिस्प्ले की तरह यूज किया जा रहा था। वहां पे एक्चुअली की किया जा रही थी कि ऐसे लेजर लाइट्स को थ्रो किया जा रहा था कि वो आंखों के लिए बिल्कुल सही टेक्स्ट फॉर्म कर रहे थे, जिसकी मदद से लोग चलते चलते उन्हें पहनते हुए भी ये पता लगा ले रहे थे कि उनके फोन में क्या नोटिफिकेशन आ रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ वैसा ही करने की कोशिश की गई होगी। अब खैर ये तो फोन आने पे ही पता चलता है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये कैसा हो सकता है और यहाँ पे ये कैसे काम कर सकता है। तो फिलहाल के वीडियो में नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।